आय जो है उसमें वृद्धि करने के लिए, या फिर उत्पादन जो है उसके अवसर जो है उनको बढ़ाने के लिए। अगर उत्पादन के अवसर बढ़ेंगे तो लोग जो है उनको रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको आय प्राप्त होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। और जब नागरिकों को आय मिलेगी तो अगर उनकी आय अधिकतम होगी तो वो उतना ही टैक्स भरेंगे, और टैक्स भरेंगे तो इससे राष्ट्र जो है उनकी भी आय होगी। तो इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे अगर नियोजन को अपनाया जाता है, आय में अगर वृद्धि होती है नागरिकों की, तो उसका लाभ जो है वो राष्ट्र जो है उसको प्राप्त होगा। फिर सामाजिक उन्नति जो है वो भी नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है। व्यवस्थित विकास अगर होगा तो इससे क्या होगा, लोग जो है उनका जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा, वो सुधरेगा, और संपूर्ण समाज जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। फिर राष्ट्र जो है उसको अगर अपन को आत्मनिर्भर बनाना है या आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए भी नियोजन जो है वो बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो आत्मनिर्भरता से वही चीज़ आ जाएगी कि हमारा राष्ट्र जो है वो उन्नति करेगा, और राष्ट्र उन्नति करेगा तो हम लोगों को भी फायदा होगा। मतलब हर चीज़ का बेनिफिट, अगर हमारी आय ज़्यादा है तो राष्ट्र को फायदा होगा, राष्ट्र अगर उन्नति करेगा तो नागरिकों को फायदा होगा। ठीक है, फिर सत्ताधारी दल जो है उनके द्वारा जनता से जो भी वादे किए जाते हैं उनको पूर्ण करने के लिए भी एक नियोजित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि सरकार जब भी या सत्ता में जब भी वो लोग आते हैं तो उससे पहले बहुत सारे वादे करते हैं, तो उन वादों को पूर्ण करने के लिए एक नियोजित कदम जो है वो उठाने की आवश्यकता होती है। फिर आर्थिक मामलों में अगर आपको सरकार की भूमिका को स्पष्ट करना है या संसाधनों का समुचित उपयोग करना है तो उसके लिए नियोजन आवश्यक है। और जन कल्याणकारी जो कार्य हैं उनको करने की भी जो क्षमताएं हैं वो नियोजन के माध्यम से ही विकसित होती हैं। अब देखो भारत के अंदर नियोजन जो है उनके उसके कुछ लक्षण दिए हुए हैं। आपको पता है कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर केंद्र और राज्य में जो भी सरकारें होती हैं उनका शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया द्वारा बदलाव जो है वो स्वाभाविक है कि चुनाव होंगे, और चुनावों के जरिए सरकार जो है उसके अंदर परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन के साथ में सत्ताधारी जो भी राजनीतिक दल होते हैं, या अगर कोई गठबंधन पार्टी जो है या गठबंधन सरकार बनती है, तो उनकी जो भी नीतियाँ होती हैं वो राष्ट्र की जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित करती है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी नीति अलग होती है, हर सरकार की नीति अलग होती है, तो नीति निर्माण और नियोजन की प्रक्रिया जो है उसमें राष्ट्रीय हित गौण ना हो। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र हित को तिलांजलि दे दी जाए। तो संवैधानिक मूल्य जो है उन का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ ये देखते हैं कि अभी भी चाहे सरकारें बदली हों, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ में कभी भी किसी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई राष्ट्र की सुरक्षा को ही उन्होंने तिलांजलि दे दी हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो कुछ लक्षण जो है वो हमारे इसमें ढांचे के अंदर कुछ लक्षण जो है वो उजागर हुए हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो है वो ये है कि जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका अधिकतम जो है वो उपयोग हुआ, या औद्योगिकरण के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक क्रमबद्ध तरीके से वृद्धि हुई, उद्योग धंधों का काफ़ी मात्रा में विकास हुआ है। पशुपालन है और कृषि है, उनका समानांतर विकास हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल हमने कृषि के क्षेत्र में ही कार्य किया हो, बल्कि कृषि पशुपालन, मतलब कृषि पर निर्भरता लोगों की थोड़ी कम हो, कृषि पर दबाव कम हो, इसलिए कृषि और पशुपालन दोनों पर इम्पोर्टेंस दी गई है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अपन देखें या संप्रेषण में भी देखें तो उसमें भी तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है, बढ़ रहा है मामला। फिर ये कोशिश की गई है कि नौकरशाही जो है वो पारदर्शी रहे, क्योंकि देखो नौकरशाही का मतलब सारे आपके सरकारी कर्मचारियों से लिया जाता है। जो भी आपके IAS ऑफिसर्स हैं, RAS ऑफिसर्स हैं, मेन काम जो है वो यही लोग करते हैं। मंत्री जो हैं उनके द्वारा वो अन्य चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो नौकरशाही की पारदर्शिता जो है वो बहुत अधिक आवश्यक हो जाती है। फिर जो भौगोलिक दृष्टि से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि वंचित हैं, तो वहाँ पर निवेश किया जाए, वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कई जगह का विकास जो है वो तो बहुत अधिक हो जाता है और कई क्षेत्रों में निवेश नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं करते पूंजीपति या उद्योगपति, तो वो क्षेत्र जो है वो पिछड़ा रह जाता है। तो इस असंतुलन को कम करने के लिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर निवेश जो है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। फिर
शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है, उसका प्रचार भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि हर बच्चा या हर कोई जो है वो शिक्षा प्राप्त करे और बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग हो, क्योंकि हमारे यहाँ माइंडेड लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लोग क्या है, वो विदेशों में चले जाते हैं, अपने देश को लाभ नहीं देते हैं इतना। तो ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी ब्रिलियंट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अपनी ही कंट्री के लिए सर्व करें, अपने ही देश के लिए सर्व करें, ठीक है। फिर कौशल विकास पर ध्यान देने का नवीनतम लक्षण जो है, भाई हर व्यक्ति जो है उसमें कुछ ना कुछ कौशल ज़रूर होता है, और उसकी जो प्रतिभा है उसको आगे लाएं और उसका लाभ जो है वो देश को मिल सके, इसके लिए भी प्रयास जो है वो किए जाते रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अच्छा नियोजन जो है वो राष्ट्रीय समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।